तो आज थोड़ा मैं छोटा वीडियो बना रही हूँ तबीयत ठीक नहीं है तो मैं फार्मूला जितना भी इलास्टिसिटी का फार्मूला है वो मैं बता रही हूँ देखिए प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है नेगेटिव में चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इन प्राइज़ अपॉन चेंज इन प्राइस पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट देखिए ये हमारा बनेगा हमारा कर्व यहाँ पर इक्वल ई डी इक्वल टू वन मिडिल में है नीचे जीरो से स्टार्ट होगा ऊपर पॉइंट में क्या होगा ed इक्वल टू इन्फिनेटिव देखिए ज़ीरो उसके बाद एक बड़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से फिर मिडिल में क्या होगा ed इक्वल टू वन क्योंकि यहाँ पे दोनों में इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पे भी बीच में देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस इक्वल है तो यहाँ पे ई डी इक्वल टू वन उसके बाद ई डी बड़ा होगा वन से उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा इन्फिनेटी हो जाएगा उसके बाद हम देख रहे हैं कि की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज इन क्यू वन अपॉन क्यू वन प्लस क्यू टू इन टू पी वन प्लस पी टू अपॉन चेंज इन पी वन ये हमारा आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं रेवेन्यू मैथड तो ये बहुत सारा नूमेरिकल आता इससे. Revenue है इससे रेवेन्यू का फॉर्मूला है एवरेज रेवेन्यू अपॉन एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात कर रहे हैं चेंज इन क्यू एक्स अपॉन चेंज इन पी वाई इन मल्टीप्लाई पी वाई अपॉन क्यू एक्स फॉर सब्सिट्यूट गुड की अगर हम बात करते हैं सब्सिट्यूट गुड में क्या होगा क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट गुड में क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव और अनरिलेटेड गुड में क्रॉस इलास्टिसिटी हमारा ज़ीरो होगा तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जिसको आज हम लोग देखें आज मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं छोटा वीडियो बना रही हूँ मैं बोर्ड पे वीडियो कल बनाऊँगी